ईओटी, मैं हूं आपकी एजुकेटर अवंतिका और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट्स, वो क्या होते हैं वो देखेंगे। सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। अगर किसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स, जैसे पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट्स उन्होंने कहे हैं 2, 3, तो 2 जो है इट विल बी द डिस्टेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस और 2 को हम कहेंगे एब्सिसा। मतलब वाई एक्सिस से पॉइंट ए जो है वो 2 यूनिट्स पे है और 3 को हम कहेंगे ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। The distance of a point from the x-axis is called its y-coordinate or ordinate. मतलब अगर A 2, 3 एक ऐसा point उन्होंने हमें कहा है तो abscissa 2 है, मतलब y-axis से 2 के distance पे है। So यहाँ पे and ordinate is 3, मतलब x-axis से 3 के distance पे है। So the point will be exactly here. A y एक्सिस से 2 के डिस्टेंस पे और x एक्सिस से 3 के डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से ऑर्डिनेट और एब्सिसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं। अब अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए, जैसे हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि ये एक टाउन है बी जो ईस्ट में 36 किलोमीटर पर लोकेटेड है एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। जो टाउन बी है वो टाउन ए से 36 किलोमीटर ईस्ट की दूरी पे है और 15 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट? दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली लाइक दिस। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं, मतलब हम सिंपली यहाँ पे 15 स्क्वायर या फिर ए बी लिखेंगे, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यहाँ पे एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी द डिस्टेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। पर अगर एंगल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है और कुछ और है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे यूज में आता है जब एंगल इज नॉट, या फिर हम जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ओ ए है फोर्थ पॉइंट पे, फोर, और बी है 6 पे, सी यहाँ पर 3, पॉइंट सी इज 0.3 और पॉइंट डी है 8.0.8। अब हम ए सी को ज्वाइन करेंगे और इसे ज्वाइन करेंगे डी बी। अब हमें डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, बी से या फिर ए का डिस्टेंस बी से कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ए बी विल बी डिस्टेंस, ए बी विल बी ओ बी, ओ बी का डिस्टेंस माइनस ओ ए का डिस्टेंस, तो वी विल गेट दिस डिस्टेंस ओ बी माइनस ओ ए, दैट इज 2 यूनिट्स। इफ 2 पॉइंट्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स जो थे वो x एक्सिस पे थे,
इसीलिए हमने इजीली उसे फाइंड आउट किया। अब अगर सिमिलर वे में हम सी और डी का भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सी डिस्टेंस सी डी विल बी ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी का डिस्टेंस इज 8 यूनिट्स एंड दिस इज 3 यूनिट्स, सो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है ये। इन दोनों का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। अब ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे था, बट अगर लाइन इस तरीके की है जैसे डी बी और सी ए, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज 25, मतलब डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसीलिए हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। अब डिस्टेंस ऑफ बी डी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज 10 यूनिट्स, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज 100, दैट मीन्स स्क्वायर रूट विल बी 10 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है पी टी क्यू अब यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, PT को हम ज्वाइन करेंगे और PQ को। दिस इज RS, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब यहाँ पर ओरिजिन से पॉइंट R तक का डिस्टेंस विल बी x1, यहाँ पर x1 है, तो दिस इज x1। वाई? बिकॉज पी एंड आर आर ऑन द सेम लाइन, मतलब पी वाई एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट आर भी रहेगा, और वो डिस्टेंस है x1। देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू x1। सिमिलरली वी कैन राइट ओ एस। अब यहाँ पे x2 है, मतलब ओ एस भी x2 रहेगा। आर एस, अब आर एस को फाइंड आउट करने के लिए वी कैन राइट ओ एस माइनस ओ आर, विच इज x2 माइनस x1। आर एस इज इक्वल टू पी टी, तो वी कैन राइट इक्वल टू पी टी। अब एस क्यू, अब y एक्सिस की तरफ हम देखेंगे, तो एस क्यू इज इक्वल टू y2। एस क्यू इज इक्वल टू y2 यहाँ पर दिया है। देन एस टी, अब एस टी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी कैन राइट एस क्यू माइनस एस टी। इट इज एस क्यू माइनस एस टी। अब एस क्यू है y2 एंड एस टी इज एक्स y1, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए है। अब पी और टी आर ऑन द सेम लाइन, तो पी जितने डिस्टेंस पे रहेगा एक्स एक्सिस से उतने ही डिस्टेंस पे टी भी रहेगा, तो वी कैन राइट y2 माइनस y1। अब हम एस टी को हम डायरेक्टली y1 लिखेंगे। टी क्यू इज y2 माइनस y1, नॉट एस टी। एक करेक्शन है यहाँ पे, तो एस टी इज y1, एस टी इज y1, क्यू टी इज यहाँ पर क्यू टी की जगह पे y2 माइनस y1 आएगा। नाउ अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी टी क्यू। अब हम ट्राइंगल पी टी क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो वी गेट पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू इज द हाइपोटेनस हियर, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर।
अब PT is x2 minus x1 and QT is y2 minus y1. That means PQ का distance is square root positive square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इसे हम कहते हैं distance formula. डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से x2 मतलब एब्सिसा ऑफ पॉइंट 2, x1 मतलब एब्सिसा ऑफ पॉइंट 1, y2 इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 एंड y1 इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, x2 माइनस x1 का सब्ट्रैक्शन उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इस तरीके से वी गेट अ डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम x2, x1, y2, y1 की जगह पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. y2 माइनस y1 स्क्वायर अब एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म. अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि फाइंड आउट वेदर दीज पॉइंट्स कैन फॉर्म अ ट्रायंगल. पहले हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देख लेंगे. एक, अगर ये 3 साइड्स है और अनइक्वल साइड्स है तो इन दोनों साइड का जो सम रहेगा वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा. तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड देन कंक्लूड वेदर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट. एग्जाम्पल पॉइंट्स है 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3. तो इसे दे देंगे पी क्यू एंड आर. रफ एक फिगर पी क्यू आर. तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर एंड डिस्टेंस पी आर. पी क्यू हम फाइंड आउट करेंगे x2 यहाँ पे -2 है, सो -2 एंड x1 इज 3. होल स्क्वायर प्लस y2 इज -3 -2 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर इज 25 एंड अगेन -5 का होल स्क्वायर इज 25. सो वी गेट √50 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.07. नेक्स्ट हम देखेंगे QR. QR में भी हम सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर. -2 इज 4, -4 होल स्क्वायर इज 16 प्लस -9 होल स्क्वायर इज 81. ओके, यहाँ पे 6 आएगा, -3 इज 6, तो 36 मतलब 52 विच इज अप्रोक्सीमेटली 7.21. एंड देन वी विल फाइंड पी आर. अब पी आर में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -3 होल स्क्वायर equal to 3 -2 is 1, 2 -3 is -1, that is 1 plus 1 root 2 is 1.41. since the sum of any two of these distances is greater than the third side. ab yahan pe distances kya hai, 7.07, 7.21, 1.41. ab in dono ka summation will be greater than this. अब इन दोनों का समेशन करें तो वो भी इससे ग्रेटर ही रहेगा. अब यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला. अब तक हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा. सेक्शन फॉर्मूला मतलब अगर यहाँ पे एक लाइन है ए
बी, यहाँ पर एक्सिस एक्स वाई और पॉइंट एम है विच डिवाइड्स दिस इन अ सर्टेन रेशियो. तो हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे. एग्जाम्पल से समझेंगे पहले. यहाँ पर लाइन ए बी है और पॉइंट पी डिवाइड्स इट इन द रेशियो एम वन एंड एम टू. पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई. बी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स टू कॉमा वाई टू एंड ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन कॉमा वाई वन. अब यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे. R S T O A Q C Y axis. अब यहाँ पे पी ए इज टू पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू. अब हम लिखेंगे पी ए अपॉन पी बी, दिस पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी. ए क्यू एंड पी सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंगल एंगल्स. यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी सी. देयरफॉर ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये जो साइड्स है दे आर इक्वल, प्रोपोर्शनेटली इक्वल. अब हम लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू आर एस. ए क्यू और आर एस आर इक्वल. डायग्रामेटिकली हम देखेंगे. अब आर एस को हम लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ आर एंड ओ एस का डिस्टेंस इज एक्स एंड आर का डिस्टेंस इज एक्स वन. सो इट इज एक्स माइनस एक्स वन. सिमिलरली पी सी इक्वल टू एस टी इक्वल टू ओ टी माइनस ओ आर. ओ एस इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स एंड पी क्यू इक्वल टू पी एस माइनस क्यू एस. पी क्यू इज पी एस माइनस क्यू एस. तो वी कैन राइट y माइनस y1, पी एस इज इक्वल ओके क्यू एस इज इक्वल टू ए आर और ए आर का डिस्टेंस इज y1, इसीलिए y माइनस y1. अब यहाँ पे है बी टी माइनस सी टी. सी टी इज इक्वल टू पी एस. सी टी इज इक्वल टू पी एस और पी एस का डिस्टेंस है y. तो वी कैन राइट y2 माइनस y, y. अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी ए अपॉन बी पी वॉज एम वन अपॉन एम टू. ए क्यू अपॉन पी सी इज एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई. हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जो रेशियो फाइंड आउट किया था पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी,
इसमें हमने जो वैल्यूज डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लिखेंगे, अब m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1, देयरफॉर वी कैन राइट इट सेपरेटली एज m1 एंड इट इज आल्सो m1 अपॉन m2 इज आल्सो इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट y इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे कैसे किया उन्होंने, m1 y2 माइनस y इक्वल टू m2 y माइनस y1 क्रॉस प्रोडक्ट। अब m1 इंटू y2 माइनस m1 इंटू y इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। अब यहाँ से m1 y2 माइनस m2 y1 और यहाँ आएगा y के कोऑर्डिनेट्स m1 y। यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है इसीलिए प्लस। अब यहाँ से m1 y2 माइनस m2 y1 एज इट इज m2 y1, और इन दोनों में y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है तो y कॉमन निकल जाएगा इक्वल टू y, और m2 प्लस m1 या फिर m1 प्लस m2 विल कम इन द डिनोमिनेटर, तो हमें y के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए m1 y2 माइनस। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में अगर हमें कहा जाए कि पॉइंट ए बी इसके कोऑर्डिनेट्स है 2.3 और इसके है 3.5, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट फॉर m, और m को हम रिप्रेजेंट करेंगे x y से, और ये इसका रेशियो है 1:2, मतलब m1 इज 1 m2 इज 2, और हमें m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला में उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, माइनस 3, यानी x1 एंड y1 इज 4, माइनस 3 एंड 8, 5 इज x2, y2। रेशियो दिया है 3:1, दैट मीन्स m1 इज टू m2 इज 3:1 इंटरनली। इंटरनली मीन्स द पॉइंट लाइज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो अब यहाँ पे लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला के यूज से वी कैन राइट x इक्वल टू m1 इज 3 देन x2 इज 8 प्लस m1 इंटू m2 इंटू x1, x1 इज 4, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे 8 3 जा 24 प्लस 4 अपॉन 4, 28 अपॉन 4 इज 7, मतलब एब्सिसा इज 7। y यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में y2 इज 5 प्लस y1 इज माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1, इट इज 15
3 - 3 × 1 = -3. 15 - 3 = 12. So ऑर्डिनेट इज 3. तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आर 7, 3. 7, 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं. अब हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे वी कैन फाइंड एरिया इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे सपोज ट्रायंगल है ए एक्स वन कॉमा वाई वन, बी एक्स टू कॉमा वाई टू, सी एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री. अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना सीखेंगे. फर्स्ट यहाँ पे उन्होंने एक्स और वाई एक्सिस पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है. ट्रायंगल एबीसी. ए ए के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन कॉमा वाई वन, बी के सी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स थ्री वाई थ्री, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स आर एक्स टू कॉमा वाई टू. अब यहाँ पर ओरिजिन क्यू पी एंड बी आर. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है एंड दैट इज ए बी क्यू पी. ए बी क्यू पी इज अ ट्रेपेजियम जहाँ पे पैरेलल साइड्स है बी क्यू एंड ए पी. तो इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एपीसी एपीआरसी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एपीआरसी. अब इन दोनों ट्रेपेजियम को ऐड किया तो इसमें ये भी रीजन है, मतलब हमें इस रीजन को माइनस करना होगा. सो माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम this one BQRC, BQRC. अब area of trapezium का formula होता है half into sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between them, distance between them. तो अब यहाँ पे area of triangle ABC can be written as half BQ plus AP. First triangle की parallel sides और उसकी height है QP, this one QP plus half into, अब trapezium APRC के लिए parallel sides है AP CR and height is PR, this is the height. प्लस हाफ इंटू
बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर. फॉर दिस ट्रपेजियम हाइट इज दिस होल क्यू आर एंड पैरेलल साइड्स आर बी क्यू एंड सी आर. अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से बी क्यू ए पी क्यू पी इन सभी की लेंथ लिखनी है. सो 1/2 बी क्यू की लेंथ है y2. इसे सिंप्लीफाई करने के बाद y2 bq is y2 then ap is y1. सो यहाँ पर आ गया y2 एंड y1. अब qp की लेंथ है qp is x1 minus x2 using distance formula. qp is यहाँ पर इस पॉइंट की लेंथ है x1 और इसकी है x2. तो दिस QP रीजन विल बी x1 माइनस x2. सिमिलर वे में हमें बाकी भी लेंथ लिखनी है. सो वी कैन राइट 1/2 y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस 1/2. यहाँ पे माइनस आएगा y2 प्लस y3 एंड मल्टीप्लीकेशन में x3 माइनस x2. अब 1/2 यहाँ से कॉमन आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अब फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट x1 y2 माइनस y3 एंड सिमिलरली x2 y3 माइनस y1. तो अब वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. सो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट की. अब इसी फॉर्मूला का यूज करके विदाउट लेंथ इंटू हाइट बेस इंटू हाइट लेने के बजाय वी कैन डायरेक्टली put the coordinates in this formula. अब यहाँ पे example करेंगे. Point है 1, -1, -4, 6 and -3, -5. The area of triangle formed by the vertices A, B, C using the formula above. अब हमें above formula use करना है. तो we can write area of triangle ABC equal to 1/2. First आएगा x1 coordinate, x1 is 1. Next y2, y2 मतलब 6. y3 is minus 5, minus plus. So it is 6 plus 5. Then आएगा x2 का coordinate, x2 is minus 4. Then y3 is minus 5, minus y1 is minus 1. माइनस माइनस प्लस. अब यहाँ आएगा प्लस एक्स थ्री इज माइनस थ्री एंड वाई वन माइनस वाई टू इज माइनस वन माइनस सिक्स. अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1/2 सिक्स प्लस फाइव इलेवन माइनस फोर. दिस इज माइनस वन प्लस वन इज माइनस फोर. माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन इज पॉजिटिव 21. अब यहाँ लिखेंगे 1/2 11 प्लस 16 प्लस 21 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 11 प्लस 16 इज 27 प्लस 21 इज 48. इट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला आल्सो. जहां पर हमें फर्स्ट x1 के कोऑर्डिनेट देन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2. तो इस फॉर्मूला से
we can get the area of triangle. अब एक बार हम चैप्टर की समरी देख लेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन कॉमा वाई वन एंड क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू इज, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लिखना है. सो पी क्यू इज फर्स्ट एक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला. फिर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, अगर x1 की जगह पे ओरिजिन आ जाए तो x2 टू माइनस जीरो होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सिंपली वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज फ्रॉम ओरिजिन. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली इन द रेशियो. अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, एक्स के कोऑर्डिनेट विल बी एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. देन वाई के कोऑर्डिनेट एक्स टू की जगह पे वाई टू, एक्स वन की जगह पे वाई वन, एम वन प्लस एम टू, मतलब एम वन के साथ वाई टू आएगा, एम टू के साथ वाई वन. देन मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, अब हम देखेंगे कि मिड पॉइंट जब m1 और m2 1 is to 1 के रेशियो में है तो वी कैन राइट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 1 तो नीचे आएगा 2 और ऊपर x2 या फिर x1 plus x2. Similarly, y will be y1 plus y2 upon 2. तो इस तरीके से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है. मिड पॉइंट फॉर्मूला में m1 is to m2 will be 1 is to 1, मतलब इक्वली डिवाइड होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी फाइंड आउट किया, सो इट इज 1 बाई टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट देन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, मतलब एक्स वन देन वन आ गया फिर टू फिर थ्री, मतलब वाई टू माइनस वाई थ्री. अब यहाँ पर सेकेंड इसमें हम एक्स टू लिखेंगे. अब यहाँ पे एक्स टू आया मतलब एक्स टू के बाद थ्री, टू के बाद थ्री, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखेंगे वाई थ्री माइनस वाई वन. अब एक्स टू एक्स वन एक्स टू हो गया, अब एक्स थ्री, अब एक्स थ्री के बाद डायरेक्टली वाई वन माइनस वाई टू. सो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. सो यहाँ पे दिस चैप्टर इज ओवर.